आप क्या कहते हैं लब्बाई के अरसुल्ला का नारा सियासी है? मैंने कहा लब्बाई के अरसुल्ला का नारा सियासी होता ना, सामने देख के बताओ फिर। मैं क्या लब्बाई के अरसुल्ला का नारा सियासी होता ना तो बाबा जी सरकार देना निकल ले। मैं क्या सियासत के अंदर ही ऐसा नारा लाना सी होंदे कोनो नारा गैन वाले। मैं क्या अगर लब्बाई के अरसुल्ला का नारा सियासी होता ना तो सरकार देना लगता इंशाल्लाह इस्लामाबाद नारा लगना है, इंशाल्लाह वजीराबाद नारा लगना है, इंशाल्लाह पूरी दुनिया नारा लगना है, इंशाल्लाह अब पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगा और इंशाल्लाह कयामत तक गूंजेगा क्योंकि रहेगा ही उनका चर्चा रहेगा। सियासी नारा लब्बाई के रसूल अल्लाह? नहीं नहीं सियासी नारा नहीं है ये, सामने देख के ये उन लोगों के लिए सियासी नारा जो हजूर के महफल सजा कर कहते हैं जी ये लब्बाई का नारा नहीं लगाना, ये हमारे पर्चे हो जाएंगे, ताजदार खत्म होकर नारा नहीं लगाना हमारे पर पर्चे हो जाएंगे। उनको बताओ जिस नबी का तुम नाम ले रहे हो हम भी उस नबी का नारा लगा रहे हैं ना, तुम्हें किस चीज़ की पीड़ होती है ये तो बताओ जरा हमें। हजूर की नात दिल में भी पड़ी जाए ना अकेला बैठ के बंदा पढ़ ले उसमें बेहतरी है, ये नहीं कि स्टेज पे जाकर आप पीछे से डम डम लगी हो। आपने देखा होगा या माइक पकड़ेंगे इधर मेरी तरफ करेंगे, नात का नात पढ़ रहा है जी तो वो जनाब पैसे फेंकना शुरू कर दिया, वो उधर ही अड़ गया रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम, वो रिम झिम से आगे नहीं जा रहा। अरे हमने लगाया एक तरीके लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह तो वो पीर साहब कहते नहीं नहीं ये नारा नहीं लगाना हमारे पीरों का नारा लगाओ। मैं कहा जिन पीरों ने आपके पीरों ने जिनकी हिमायत की है ना जिनके पीर आपका नाम लेते हैं हम भी उनका नाम नारा लगा रहे हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। तो हम वहाँ उठ के चले गए, फिर हमने वहाँ से इतने नारे लगाए कि वो फिर हम आज तक याद है हमें कि वो नारे लगाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दो भाई मेरे साथ मौजूद हैं और आज इनका एक बड़ा यूनिक सा इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम क्या है? हाफ़िज़ अहमद मुस्तफ़ा। कहाँ से आए हैं? मैं ज़िला कसूर चुनिया से आया। चुनिया से आए हैं, मुझे बताइएगा कि ये गेटअप आपने क्यों बनाया हुआ इस तरह का? जी हमारे बाबा जी का उर्स चल रहा है तो सज के आना तो ऐसे ही बंदा आम रूटीन में आए तो मज़ा नहीं आता, अलग मज़े में आए तो फिर बाबा जी को सलाम पेश करना है तो ऐसे तो नहीं आ सकता बंदा। पेंटे शर्टे पहना करो यार, आपकी उम्र ही क्या है अभी ये? नहीं नहीं पेंटे शर्टे मेरे बाबा जी ने जैसे हमारे हजूर की सुन्नत है शलवार कमीज़ पहना, हम उसकी सुन्नत पूरी कर रहे हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा हुलिया, ये मेरा नेगेटिव ना लीजिएगा, मैंने सिर्फ इसका जहन चेक कर रहा था कि ये मेरे हर सवाल का जवाब दे सकेगा कि नहीं, ये जो हुलिया ना इससे बेहतर हुलिया कोई नहीं है। और माशाल्लाह फिर रिजवी मामा और बाजू के ऊपर देखें माशाल्लाह ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का बैच इन्होंने जो है वो बांधा हुआ है। अच्छा मुझे बताएं कि इस छोटी सी उम्र में आपने ये रिजवी मामा सर पे क्यों सजा लिया है? जी मेरा शौक़ था हिफ्ज़ करना तो मैं 3 साल हिफ्ज़ कर रहा था तो पहले मुझे ये बाबा जी से पहले मैं ये नहीं बांधता था, जब बाबा जी की मैं तकरीरें शुरू करनी हिफ्ज़ शुरू करने की है तो मेरे में एक लगन पैदा हो गई कि मैंने बाबा जी का नाम भी लेना है, हुजूर का नाम भी है, नारा भी लगाना है एक। तो कौन सा नारा? ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सियासी नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह? जी कुछ लोग होते हैं ना हुजूर के नाम के, देख के बताएं ये सियासी नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह? नहीं नहीं सियासी नारा नहीं है ये, सामने देख के ये उन लोगों के लिए सियासी नारा जो हजूर के महफल सजा कर कहते हैं जी ये लब्बैक का नारा नहीं लगाना, ये हमारे पर्चे हो जाएंगे, ताजदार खत्म नबूवत नारा नहीं लगाना हमारे पर पर्चे हो जाएंगे। उनको बताओ जिस नबी का तुम नाम ले रहे हो हम भी उस नबी का नारा लगा रहे हैं ना, तुम्हें किस चीज़ की पीड़ होती है ये तो बताओ जरा हमें। पीड़ा और फकियाँ और पीड़ा और फकियाँ और मेरा बाबा जी फरमा गए ने जेडी गल फरमा गए अमल करना है असी। हाँ इन्होंने दस दौ जे पैसे लैके लख लख रुपये लैके स्टेज पर ढोल ढमके करके दे आके चले जाते हैं, इन्होंने दस दौ जिमें बाबा जी ने कहा सी फकियाँ पीड़ा और फकियाँ और। अच्छा वो इस तरह महसूस हो रहा होता है कि वो स्टेज के ऊपर ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बड़े होते हैं, ड्रम्स भी पड़े होते हैं, ढोल भी होते हैं, अब तो गिटार्स भी आ गए हैं और पियानो भी आ गए हैं, मतलब ऐसे लग रहा होता है कि नाउज़ बिल्ला म्यूज़िकल कॉन्सर्ट चल रहा है। मेरा इस फील्ड के साथ बड़ी देर रहा है और मैं इस फील्ड से रहा हूँ तो मैं बड़ा गहरे तरीके से इस फील्ड को समझता हूँ, शोबिस की फील्ड जो है ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नात खानी के अंदर ऐड करना यकीनन ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जनाब आप किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में आ गए हैं, तो कहते हैं जनाब ये जो है ना वो जज्बात उजागर करने के लिए है, ये जो हल्की हल्की दफ बजाते हैं, ये जो ढोल बजाते हैं, ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो मैं तो बेहतर नहीं जानता लेकिन नाजायज ये बात है, आप हजूर की नात खानी करनी है आराम से पढ़ो ना जिक्र करो ना ये डफ बजाओ,
हजूर के दिल में, हजूर की नात दिल में भी पढ़ी जाए ना, अकेला बैठ के बंदा पढ़ ले उसमें बेहतरी है। ये नहीं कि स्टेज पे जाकर आप पीछे से डम डम लगी हो और बेजिक्र शुरू हो, ये ठीक है नात पढ़ो लेकिन पीछे से गलत काम करते हैं ये। वो एक आपने देखा होगा या माइक पकड़ेंगे इधर मेरी तरफ करेंगे, नात का नात पढ़ रहा है जी, तो वो जनाब पैसे फेंकना शुरू कर दिया, वो उधर ही अड़ गया, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम, वो रिम झिम से आगे नहीं जा रहा, ये क्या वजह ये बताइए ज़रा। मैं आपको बताता हूँ, जब ना एक बंदे में पैसे की बहुत ही है, मैं आपको पहले बताया 50,000 लाख रुपये लेके आना ये नात खाने नहीं है, तो वो अगर कोई आपसे 10 वाली नोट फेंक रहे ना आप पे, तो वो शेर दोबारा पढ़ी जाएगा क्या उससे पैसे मिल रहे हैं, उसकी सोच ये है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं मैं बार बार पढ़ूँ, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, ये तो लालच आ गई ना। एक और चीज़ है ना, जो आप 10 वाले नोट उसको उस फेंक रहे हैं ना उसके ऊपर, वो नहीं पकड़ रहा, उसने हाथ ऐसे आगे किया हुआ है। हाँ। जो आप 5,000 वाला नोट पकड़ाते हैं वो पकड़ के जेब में डाल लेता, फिर हाथ इस तरह कर देता है, और 10 वाला नोट नहीं पकड़ रहा, 10 वाले नीचे ही जा रहे हैं, वो चेले रखे हुए हैं। तो ये जो है इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी तरफ से भी है कि ये नात खानी के ऊपर आप इस तरह पैसा नहीं ले सकते, ये जिस तरह आजकल जो है नात खानों ने अपना पैशन बना लिया हुआ है। बात हो रही थी नात खानी के हवाले से, तो आप देखें जब भी आपने देखा होगा महफिल शुरू होती है ना, कहते हैं जी माँ दी शान चला दो, तो बड़ी एक वो मजाकिया सी बात है, बाबा जी कहते होते थे सारी ज़िंदगी माँ प्यो जड़े ने ना वो इनके उत्ते डिपेंड करते हुए मर गए ने, कबर से चले गए ने, ठीक है, वो दवाइया के पैसे नहीं इन्होंने को निकले जनाब, इन्होंने को खिदमत नहीं की गई माँ प्यो की, तो महफल जो करानी होती सब तो पहले माँ की शान चलवा रहे होंगे ने। मुझे बताएं कि क्यों आप लोग ये जो लब्बई के अरसुल्ला वो कहते हैं सियासत है, आपने पीछे देखा होगा कुछ ट्रेंड्स निकले कि मस्जिदों के अंदर लब्बई के अरसुल्ला के नारे लगे जिस वक्त जी, तो जनाब वो बड़े बड़े वो पीर निकला है जनाब, उन्होंने कहा ये तो एक सियासी नारा आप मस्जिद के अंदर ना लगाएं, आप कैसे कहते हैं कि ये सियासी नारा नहीं है जी? ये हमारे चुनिया शहर में भी एक वाक़या हुआ है हमारे साथ, मैं क्या मैटर क्या था वो महफल कराई थी उन्होंने, क्या नाम है मिलाद मुस्तफ़ा की, तो हम आपके शहर का ही वाक़या मेरे पास हमारे मैं उधर पढ़ता हूँ उस अच्छा। मस्जिद में, तो वो मस्जिद में तो किसी को रोक टोक नहीं है, जो उनसे मर्जी आके मैं करवाई बताएं, कोई भी आके महफल करे मस्जिद में, हमारा नहीं कि वो अल्लाह का घर है, अल्लाह की मदद करनी है, हुज़ूर का नाम लेना, जो मर्जी आके करे, लेकिन जब नारा लगा लब्बैक का तो वो बाबा जी के मुझे फिर बात याद आ गई कि पीड़ा और दे फकियाँ और नारा हमने लगाया एक तरीके लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो वो पीर साहब कहते नहीं नहीं ये नारा नहीं लगाना, हमारे पीरों का नारा लगाओ। मैं कह जिन पीरों ने आपके पीरों ने जिनकी हिमायत की है ना, जिनके पीर आपका नाम लेते हैं, हम भी उनका नाम नारा लगा रहे हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। तो हम वहाँ उठ के चले गए, फिर अलहमद ने वहाँ से इतने नारे लगाए कि वो फिर हम आज तक याद है हमें कि वो नारे लगाए। चलें प्रोग्राम का इख्तिताम आपसे ही करते हैं, जाते हुए जो है ना बाबा जी की कोई दो प्यारी सी बातें वहाँ को बता दें और प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। फिर बाबा जी कहते थे कि जालिम का साथ नहीं देना, जालिम का साथ नहीं, मजलूम के साथ खड़े होना है। इधर आना जरा। मर जाएंगे जालिम की हिमायत ना करेंगे, अहरार का भी तर्क रवायत ना करेंगे, बाबा जी का यही मुझे एक कौल एक और, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह इल्हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह हमें भी बाबा जी खादम रजी जैसा जज्बा अता फरमाए, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है ना, हम तो एक उनके जूती के जर्रे के बराबर भी नहीं है, हमें बस एक कतरा मिल जाए उनकी मोहब्बत का। जी हाँ जी, इंटरव्यू दे आए हैं जी, आप क्या कहते हैं लब्बई के अरसुल्ला का नारा सियासी है? मैंने कहा लब्बई के अरसुल्ला का नारा सियासी होता ना, सामने देख के बताओ फिर। मैं कहा लब्बई के अरसुल्ला का नारा सियासी होता ना, तो बाबा जी सरकार देना निकल ले। मैं कहा सियासत के अंदर ही ऐसा नारा लाना सी, होंदे कौन नारा कहने वाले। मैं कहा अगर लब्बई के अरसुल्ला का नारा सियासी होता ना, तो सरकार का ना लगता इंशाल्लाह इस्लामाबाद नारा लगना है, इंशाल्लाह वजीराबाद नारा लगना है, इंशाल्लाह पूरी दुनिया नारा लगना है, इंशाल्लाह अब पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगा और इंशाल्लाह कयामत तक गूंजेगा, क्योंकि रहेगा ही उनका चर्चा रहेगा। ओ जे भी आखिर में प्रोग्राम खत्म करते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हो जाए जरा रिजवी स्टाइल में, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ये आपने देखा माशाल्लाह, ये मैं जो चीज़ें नोट कर रहा हूँ कि ये बच्चे के जो स्टाइल थे ना, ये भी बाबा जी की तरह कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि उन लोगों के लिए पैगाम है ये दो बच्चों ने दिया है,
जो कहते हैं कि जब मस्जिदों में या कहीं पे पीर खाने पे चले जाएं, वो कहते हैं यहाँ पे लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाएं, ये एक सियासी नारा लगाएं, वो कहते हैं कि ये एक सियासी नारा है। ये बच्चे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, इस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। आप भी कमेंट में बताइएगा लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा वाकई सियासी है या गैर सियासी है। इसके साथ अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।